मैं चाहता हूँ दक्षिण हरियाणा से कोई बने। तो राव साहब ने इतनी लंबी पारी राजनीति की खेली है, तो राव साहब दक्षिण हरियाणा के एक सशक्त नेता है। ये तो चूंकि हमारे मार्च के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं और अक्टूबर में चुनाव होना है, तो कोई भी पार्टी 6 महीने के अंदर नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया करती। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। हमारा नेतृत्व तो इसीलिए मजबूत है कि वो मजबूत निर्णय लेता है। तो कोई कंट्रोवर्सी किसी के मन में भी ना रहे। राव साहब का जो दक्षिण हरियाणा का है, तो राव साहब ने दक्षिण हरियाणा से, मेरा भी मन है कि दक्षिण हरियाणा से कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में उपेक्षित रहा है आज तक जो है राव वीरेंद्र साहब के बाद, वो भी 6 महीने के लिए सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री बने थे। आप चाहते हैं कि राव साहब सीएम बने? मैं चाहता हूँ दक्षिण हरियाणा से कोई बने, राव साहब बने। मैं कहता हूँ दक्षिण हरियाणा से कोई बने, उसमें राव साहब भी हो सकते हैं। राव साहब क्यों नहीं हो सकते? राव साहब ने इतनी लंबी पारी राजनीति की खेली है, तो राव साहब दक्षिण हरियाणा के एक सशक्त नेता है, जनाधार वाले नेता है, तो वो क्यों नहीं हो सकते? निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र का भजनलाल बने तो विकास हुआ, हिसार का विकास हुआ, बंसीलाल जी बने भिवाणी का विकास हुआ, भूपेंद्र हुड्डा बने तो रोहतक का विकास हुआ, मनोहर लाल जी बने तो मनोहर लाल जी ने एक सूत्र दिया था सबके साथ सबका विकास। उनके ऊपर ये आक्षेप नहीं लग सकता कि उन्होंने सिर्फ करनाल का विकास किया, उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया है। वो तो निश्चित तौर पर ये अपेक्षा रहती है, हर क्षेत्र की रहती है, हमारे क्षेत्र से बने तो दक्षिण हरियाणा भी उसमें अछूता नहीं है। निश्चित तौर पर ये नेतृत्व का दक्षिण हरियाणा को भी मौका मिलना चाहिए, और मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि नेतृत्व उभर के आएगा और नेतृत्व करने का मौका दक्षिण हरियाणा को आने वाले समय में मिलेगा।